व्हाट्सअप, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग भाई? अभी मॉर्निंग टाइम है, धूप यहाँ पे निकली हुई है। मैं जस्ट अभी जागा हूँ, घर में झाड़ू भी लगाने हैं। अभी सुबह के 7 बज चुके हैं। छत पे जाऊँगा, प्लास्टर पटाऊंगा, जो भी पानी उस पर देना है वो काम करूँगा। उसके बाद फिर मुझे खाना भी बनाना है, तो बहुत सारा काम है, तो मैं फटाफट काम में लग जाता हूँ। सो गाइस, सबसे पहले हम ऊपर चलते हैं छत पे, और पानी पटाना बहुत ज़रूरी है बिकॉज कल प्लास्टर हुआ है और ये लगभग 15-20 दिनों से काम चल रहा है यहाँ पे। इसको सेलिंग बोलते हैं, ये सेलिंग का काम हुआ है सिर्फ यहाँ पे। दीवार पे अभी काम करना बाकी है, सामने रैक आपको दिखेगा वो भी अभी बाकी है। ये एक कमरा है, वहाँ सारा काम हो चुका है, इसका ऑल फिनिशिंग है। बस ये जो गेट पे चौखट होती है वो लगाना यहाँ पे पेंडिंग है, बाकी सारा प्लास्टर यहाँ पे हो चुका है। पानी भी दे रहे हैं ताकि ये अच्छे से सूख जाए, ये जो नमी होती है इसकी वो अच्छे से इसकी सूख जाए और ये पकड़ अपना अच्छे से दीवार पे बना ले। ये हॉल है, हॉल का भी काम मोस्टली यहाँ पे डन हो चुका है। एक दिन का काम और लगेगा अगर दो मिस्त्री आ जाते हैं तो। सिर्फ ये पार्ट सामने वाला और ये पार्ट नीचे तक बिल्कुल पेंडिंग है। तो फिलहाल मैं पानी अभी इसी पे दूंगा। यहाँ जो बालकोनी होती है जिसे गली भी बोलते हैं, उसका काम हो चुका है यहाँ पे, डन फाइनल हो चुके हैं। बाथरूम एरिया तो ये फाइनल पहले से हुआ हुआ है, और ये यहाँ पे कचड़ा भरा पड़ा है बिकॉज यहाँ पे सीट जब बैठे उस समय इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ये है, यहाँ पे भी चौखट लगाना बाकी है, ताकि अभी ये प्लास्टर हुआ नहीं है यहाँ पे, तो ये चौखट लगाना भी बाकी है। फिलहाल मैं इस पर पानी देता हूँ बिकॉज टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं और मुझे खाना भी बनाना है, तो फटाफट हम काम में लग जाते हैं। गाइस, यहाँ पे बहुत सावधानी से गुजरना पड़ता है बिकॉज अगर थोड़ा सा भी पैर से लिप हुआ बस नीचे हो जाऊँगा मैं, तो ये थोड़ा हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। सो गाइस, इस साइड का काम हो चुका है डन। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे पे मैंने पानी डाल दिया है। ये सामने वाला जो पार्ट है ये एक्चुअली उधर से धूप पड़ती है तो उसको थोड़ा गीला करने में टाइम लगता है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पानी खर्च भी होते हैं। बट जबकि इस साइड का जो सतह है वो थोड़ा नमी है, भी पड़ चुका है और पानी इसमें थोड़ा कम पड़ा है, और इस साइड का भी पानी कम पड़ा है। बट ये साइड जो है उस साइड का पानी काफ़ी ज़्यादा देना पड़ता है बिकॉज दूसरे साइड से इसमें काफ़ी ज़्यादा धूप आती है। तो इसका गैज हो चुका है डन। अब हम दूसरे साइड का इसको थोड़ा सा हम पटा लेते हैं, उसके बाद फिर ये रूम का हमारा एरिया जो है वो हमारा मैं कवर करूँगा। दिस पार्ट इज ऑल्सो डन। यहाँ पे इस पे सारे पे पानी पट चुका है और ये एरिया हमने कवर कर लिया है, इधर से भी हमने एरिया कवर कर लिया है। नंबर है तो अब इसकी हम इस पे हम पानी पटाएंगे। गाइस, ये रूम ऑल्सो डन हो गया है, यहाँ पे भी पानी पट चुका है। अब मैं इस रूफ़ की साफ़ सफाई कर लेता हूँ बिकॉज जो लेबर आएंगे वो ऐसे ही इस पे मिला देंगे, तो उससे अच्छा है इसको मैं साफ सफाई करके दे देता हूँ ताकि उनको भी कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। सो फाइनली गाइस, सारा काम ऊपर का हो चुका है, ये रूम भी डन हो चुका है और सतह भी मैंने साफ़ कर दिया है, ये कमरा भी हो चुका है और बालकोनी, ये रहा बालकोनी, बालकोनी भी हो चुका है, सारा कुछ यहाँ पे काम इसका ख़त्म हो चुका है। ये एरिया थोड़ा सा मेरे लिए कंजेस्टेड है, ये सूखने के लिए, एक्चुअली ये रात को ही हमने धोया है तो सूखने के लिए दिया हुआ है। स्नान ध्यान हमने कर लिया है, बट एक मेरे साथ डेली का इशू बन जा रहा है कि मैं स्नान कर लेता हूँ और ब्रश नहीं कर पाता हूँ तो मुझे लेट हो जाती है। कर लिया है और अब हम थोड़ा सा जूस पी लेते हैं मॉर्निंग का। गाइज, मैं अभी आया हूँ मम्मी के जो ऑफिस है उस साइड में आया हूँ, यहाँ पे कोरोना का इंजेक्शन भी पड़ रहा है
जो सिटीजन है, फ्रंटलाइन वर्कर हैं, जो भी हैं, उनका आज इंजेक्शन पड़ रहा है। माइंड मत कीजिएगा, मैं अभी मास्क उतार के आपसे बात कर रहा हूँ। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो ओल्ड सिटीजन है, जिनकी एज 60 प्लस एवव है, वो कीमती समय निकाल के आप मतलब पूरे भारत में कहीं भी जो हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल या आयुष्मान भारत जो भी कहें, उसमें कोरोना का टीका पड़ रहा है, तो वो अपना इंजेक्शन अभी ले सकते हैं। एक्चुअली ये उससे 60 बिलो से अभी आया नहीं है इंजेक्शन, तो आप 60 प्लस वाले अपना इंजेक्शन जाके कहीं भी ले सकते हैं कोरोना का। तो गाइज, आप लोग सभी को पता है कि कोरोना की संख्या बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ रही है धीरे धीरे। हमारे बिहार में भी काफ़ी ज़्यादा केसेज इंक्रीज हो गए हैं, और यूरोप में तो न्यूज़ में देखा था लॉकडाउन भी वहाँ पर लग चुकी है। तो गाइज, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ मास्क, ये जो मास्क है ये आपकी जीवन की रक्षा कर सकता है, तो इसका प्रतिदिन यूज कीजिए। अपने साथ सैनिटाइजर भी रखिए और उसका इस्तेमाल कीजिए, और इस कोरोना की जो लहर चली है उससे आपको छुटकारा मिलने में ये सब चीज़ मदद करे। मम्मी को यहाँ पे मैं पिकअप करने के लिए आया हूँ। ये है आयुष्मान भारत मच्छरियामा, पूर्वी साइड में है ये, जो यहाँ पे पटरी है, ये रास्ता है आने का, और इस रास्ते से मतलब जो भी पेशेंट या फिर जो भी डॉक्टर्स, जो भी सिटीजन कोई भी आएंगे तो इस रास्ते से आएंगे, ये इसका मुख्य द्वार है। तो यहाँ पे अभी कोरोना का इंजेक्शन पड़ रहा है सरकार की तरफ से। इस ब्लॉग को हम यहीं पे अंत करते हैं, आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सबक।